हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 13 नवंबर 2020 के। और सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी दिवाली। और इस दिवाली आपकी सारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपका सिलेक्शन हो। मेरी यही सबके लिए विशेज हैं। और दिवाली पे देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, प्रिकॉशंस लीजिए और फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। खूब सारी मिठाइयाँ खाइए और सब में खुशियों को बांटिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट इज डेनमार्क हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ मिंक इन द कंट्री। अभी हाल ही में 200 से ज़्यादा केसेस पाए गए हैं डेनमार्क में। केसेस तो बहुत सारे पाए गए हैं, लेकिन ये 200 से ज़्यादा केसेस वो हैं जिसमें SARS-CoV-2 के वेरिएंट्स पाए गए हैं, जो कि रिलेटेड हैं फार्म मिंक से, जो कि मिंक की खेती कर रहे थे उससे संबंधित लोगों में ये पाए गए हैं। तो इसी के चलते डेनमार्क ने डिसीजन लिया कि जो नंबर ऑफ मिंक हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि डेनमार्क जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिंक प्रोड्यूसर है। सो आप मिंक की यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ये मिंक्स हैं, देखने में कितने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन ये कार्निवोरस हैं, ठीक है, यानी कि ये मांसाहारी मैमल्स हैं, मांसाहारी स्तनधारी हैं। ये डार्क कलर्ड होते हैं, ये मुस्टेल्डे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें वीजर्स, ऑटर्स और फेरेट्स जैसे एनिमल्स भी आते हैं। द अमेरिकन मिंक एंड द यूरोपियन मिंक आर टू एक्सटेंट स्पीशीज रेफर टू एज मिंक। तो जब भी मिंक कहा जाता है तो यहाँ पर अमेरिकन और यूरोपियन मिंक की बात की जा रही है। ये दो स्पीशीज हैं मिंक के। Due to ongoing reduction in the numbers of European mink, it is listed by IUCN as critically endangered. तो इनका जो IUCN status है वो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, critically endangered है, क्योंकि number जो है वो इनका घटता जा रहा है। More than 50 million minks a year are bred for their fur mainly in China, Denmark, Poland and Netherlands. तो China, Denmark, Poland और Netherlands में मेनली मिंक को जो है उनके फर के लिए पाला जाता है। इसके अलावा इसका जो ऑयल है वो कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो लेदर है उसको वाटरप्रूफ करने में, प्रिजर्व करने में इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका जो ऑयल है और जो फेदर है, ठीक है, बेसिकली जो फर है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो क्वेश्चन आपके लिए, डेनमार्क इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिंक प्रोड्यूसर, मिंक्स आर डैश मैमल्स। डेनमार्क दुनिया का सबसे बड़ा मिंक उत्पादक है, मिंक डैश स्तनधारी है, हर्बीवोरस, स्कैवेंजर्स, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। तो ये शाकाहारी है, मांसाहारी, सर्वाहारी है या मुर्दाखोर है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर सीक्वेंस में थोड़ा गड़बड़ है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मांसाहारी होगा, कार्निवोरस होगा। नेक्स्ट इज वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब्स रिपोर्ट सेज दैट इनइक्वालिटी इज कंटिन्यूअसली राइजिंग इन इंडिया। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट, जो कि ग्लोबल इनइक्वालिटी डेटा 2020 का एक पार्ट है, उसमें ये बताया गया कि भारत में जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, ये लगातार बढ़ती जा रही है। कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि चाइना या वियतनाम, उसमें इनइक्वालिटी लेवल्स कम हैं इन कंपैरिजन टू नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि भारत और थाईलैंड। तो ये एक विचार करने की बात है, क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जहाँ होती है, कम्युनिस्ट कंट्री होती है, वहाँ पर ऐसा समझा जाता है कि इनइक्वालिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी। However, inequality in communist countries such as China and Vietnam is still higher than in Western Europe. तो Western Europe से अगर हम compare करें तो इन communist country में ज़्यादा है, लेकिन जो India और Thailand की बात करें तो वहाँ पर उनसे कम है। Western Europe is the least unequal region globally. तो अगर हम पूरे विश्व की बात करें, globally अगर हम बात करें, तो Western Europe यानी कि जो पश्चिमी यूरोप है, ये सबसे इसमें सबसे कम असमानता है। As per the report, inequality in communist countries such as China and Vietnam is higher than in post-communist Eastern Europe and lesser than in post-communist Russia. तो inequality जो China और Vietnam की हम बात कर रहे हैं उसमें ज़्यादा है post-communist Eastern Europe से, लेकिन post-communist Russia से कम है, ठीक है।
The report says that in early 1990s and 2000s, inequality started to increase in both India and China. तो भारत और चीन में 1990 से लेकर 2000 के दशक में ये inequality start हुई थी बढ़ना. China में ये stabilize हो गई, लेकिन भारत में ये लगातार बढ़ती जा रही है. The percentage of people having 8% of national income in China increased from 1% in 1990 to 14% in 2019. तो जो चाइना में ऐसे लोग जो जिनकी इनकम जो है वो 8% है नेशनल इनकम की, इसमें बढ़त हुई थी. पहले 1990 में 1% थी, लेकिन 2019 में 14% हो गए. लेकिन यही ट्रेंड अगर हम भारत में देखें तो 1990 में ये 11% थी और अब ये 2019 में 21% हो गई है. तो यहाँ पर असमानता आपको नजर आ रही होगी. World Inequality Database provides data on the distribution of income and wealth worldwide. तो World Inequality Database जो है ये दुनिया भर में आय और धन के वितरण पर डेटा को प्रदान करता है. World Inequality Lab ये एक Paris School of Economics पर बेस्ड है, वहाँ पर है ये स्थित है, which is a French research institute for economics. It has released World Inequality Report 2018 in December 2017. इसने वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018-2017 में रिलीज की थी. ये एक ओपन सोर्स है ग्लोबल इनइक्वालिटी डेटा के लिए. तो अगर आपको जानना है कि वर्ल्ड में इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पर है, कैसे असमानता है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अनइक्वल रीजन ग्लोबली एज पर अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब. वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में निम्न में से कौन सा सबसे कम असमान क्षेत्र है? ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी यूरोप. नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे. ये हर वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है. एंड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे is celebrated every year to remember Mahatma Gandhi's first and only visit to All India Radio Studio at Delhi. तो पहला जो उनका विजिट था महात्मा गांधी का, और केवल एक ही बार उन्होंने विजिट किया था ऑल इंडिया रेडियो स्टूडियो में, उस दिन को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है. 1947 में महात्मा गांधी ने AIR स्टूडियो दिल्ली में उन्होंने कदम रखा था और उन्होंने लोगों को एड्रेस किया था जो डिस्प्लेस हो गए थे, क्योंकि 1947 में आपको पता है कि इंडिया का जो ब्रिटिश इंडिया है आई वुड से उसका विभाजन हुआ था इंडिया में, यूनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में. सो तब बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर डिस्प्लेस हुए थे एंड काफ़ी लोग ने टेम्प्रेरी जो है कुरुक्षेत्र में वो सेटल हो गए थे हरियाणा में आफ्टर पार्टीशन. तो लोगों को उन्होंने एड्रेस किया, दुख व्यक्त किया और उनको मदद करने के लिए जो भी उन्होंने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे. ऑन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे स्पेशल प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रमाइसेस ऑफ AIR न्यू दिल्ली. तो इस दिन पर जो AIR के प्रमाइसेस हैं न्यू दिल्ली में, वहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है. 12 नवंबर को कहा गया था कि 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाएगा, या फिर जन प्रसारण दिवस जिसको कहते हैं ये मनाया जाएगा. ये ऐसा डिक्लेयर किया गया था 2000 में, तब से ये दिन मनाया जा रहा है. सुहास बोरकर ही गेव द आइडिया ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे. तो इन्होंने आइडिया दिया था कि हमें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे या फिर जन प्रसारण दिवस मनाना चाहिए. ही इज द कन्वेनर ऑफ जन प्रसार. तो वे जन प्रसार के संयोजक हैं. सो क्वेश्चन आपके लिए, इन विच ईयर वॉज 12 नवंबर अनाउंस्ड एज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे. किस वर्ष में 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 2000, 2003, 2007 and 2010. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 2000. नेक्स्ट इज PM मोदी हैज एड्रेस द 17th आशियान इंडिया समिट विद हिज वियतनामीज काउंटर पार्ट इन अ वर्चुअल मोड. तो PM ने 17वें आशियान भारत शिखर सम्मेलन को अपने वियतनामी समकक्ष के साथ एक आभासी मोड में संबोधित किया एंड इस समिट में सारे आशियान के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया. इस समिट में काफ़ी इश्यूज पे डिस्कशन हुआ, जैसे कि मैरिटाइम कॉपरेशन में क्या प्रोग्रेस हुई है, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या प्रोग्रेस है, या फिर जो आशियान इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ठीक है, उससे रिलेटेड मुद्दों पर डिस्कशन हुआ.
They also discussed how to strengthen ASEAN-India engagement and adoption of ASEAN-India plan of action. तो यहाँ पर इससे पहले जो previous summit हुए थे उसमें ASEAN-India plan of action adopt किया गया था till 2020. अभी next 5 years के लिए जो ASEAN-India plan of action है उसको adopt करने पर discussion हुआ. ASEAN-India summit is important for India's Act East पॉलिसी. तो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अगर हम नज़रिए से देखें तो आशियान इंडिया समिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में म्यांमार और काफ़ी जो कंट्रीज़ ईस्ट एशिया में लोकेटेड हैं वो इंडिया के लिए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, ठीक, काफ़ी वजह से वो इम्पॉर्टेंट है एंड इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ये बूस्ट करती है. The 16th ASEAN India Summit was held in Bangkok in November 2019. तो इससे पहले जो ASEAN India Summit हुई थी वो बैंकॉक में हुई थी November 2019 में. ASEAN की फुल फॉर्म देख लेते हैं, Association of Southeast Asian Countries, और ये 8 अगस्त 1967 में establish हुआ था, 8 अगस्त 1967 में establish हुआ था. इसमें 10 countries शामिल हैं ASEAN में, वो कौन कौन सी हैं? Indonesia, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रूनी, म्यांमार, कंबोडिया एंड लाओस. एंड आशियान इज इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आशियान भारत का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. इसकी लोकेशन कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स जकार्ता, इंडोनेशिया में है. एंड इंडिया के जो रिलेशंस थे विद आशियान, इसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के फॉर्म में अपग्रेड किया गया था 2012 में. इससे पहले जो प्लान ऑफ एक्शन है 2016 से 2020 के लिए, वो 2015 में अडॉप्ट किया गया था बाय द आशियान इंडिया फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग. क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द आशियान. निम्नलिखित में से कौन सा कथन आशियान के बारे में सही नहीं है? This was established on 8 August 1967. ASEAN-India relations were upgraded into ASEAN-India strategic partnership in 2019. Brunei is a member of ASEAN and ASEAN-India plan of action 2016 to 2020 was adopted in 2015. तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि आशियान इंडिया का जो रिलेशन है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड हुआ था इन 2012 एंड नॉट 2019. बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट इज ऑन द ओकेजन ऑफ 5th आयुर्वेदा डे, प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एट जामनगर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एट जयपुर. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा कहाँ पे लॉन्च किया गया है, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ये जामनगर में है एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इज इन जयपुर. इन रीसेंट ईयर्स मेनी स्टेप्स वर टेकन फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ आयुष एजुकेशन, क्योंकि जो आयुष सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर है ये इसका जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है और इसी के लिए इस जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, आयुष एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया जा रहा है. दीज इंस्टीट्यूशंस विल प्ले अ की रोल इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ आयुर्वेदा एजुकेशन एंड फ्रेमिंग वेरियस कोर्सेज एज पर नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड. तो ये जो संस्था है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार आयुर्वेद शिक्षा के मानकों को सुधारने और विभिन्न पाठ्यक्रमों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. A webinar on the theme of Ayurveda for COVID-19 will also be organized on this Ayurveda Day. तो इस वर्ष एक webinar भी आयोजित किया जाएगा Ayurveda Day पे. So Ayurveda Day कब मनाया जाता है? ये 13th November को मनाया जाता है 2016 से on the occasion of Dhanvantri Jayanti और this was started by Union Ministry of Ayush. इस साल Ayurveda Day जो है ये focus करेगा Ayurveda के role को इन द मैनेजमेंट ऑफ COVID-19, जैसे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं, आयुर्वेदिक की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वैसे भी टाइम टू टाइम आयुष मिनिस्ट्री ने अपडेट किया है. इट्स मेन एम इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द यूज़ ऑफ आयुर्वेदा एंड इंक्रीज द रोल ऑफ आयुर्वेदा इन द नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. तो ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके कि आयुर्वेदा जो है उसका क्या रोल है हमारे जीवन में और कैसे उसका रोल हम बढ़ा सकते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में.
ठीक है, और या फिर कोई नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके इम्प्लीमेंटेशन में। सो क्वेश्चन आपके लिए, आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश, आयुर्वेद दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है, 18 नवंबर, 21 जून, 13 नवंबर एंड 10 दिसंबर, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 13 नवंबर को हर वर्ष आयुर्वेदा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट इज, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड पीएलआई स्कीम विच इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वर्थ 1.46 लाख करोड़ फॉर एनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो ये कैपेबिलिटीज और एक्सपोर्ट्स को 10 की सेक्टर्स में बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो अप्रूव की गई है। दिस स्कीम हैज़ आइडेंटिफाइड 10 की सेक्टर्स इन विच इट विल मेक इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एट पार विद द ग्लोबल कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर ऐसे 10 सेक्टर्स जो हैं वो उनकी पहचान की गई है, प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है यहाँ पर, ताकि जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ग्लोबल कॉम्पिटिशन के लिए तैयार किया जाए। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए और जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है इनको प्रोवाइड की जाए, इनका एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए ताकि जो है आत्मनिर्भर भारत को एक बूस्ट मिले। इसकी वजह से क्या होगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी इन सेक्टर्स में। अंडर द स्कीम ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स हैव रिसीव्ड द मैक्सिमम इंसेंटिव। तो इस योजना के तहत ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। सो इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स 3.5% ऑफ टोटल ड्रग्स एंड मेडिसिन एक्सपोर्टेड ग्लोबली। तो अगर हम भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो टोटल जितना एक्सपोर्ट होता है ग्लोबली उसका 3.5% जो है वो भारत से होता है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। तो अगर बाय वॉल्यूम की हम बात करें तो मात्रा के हिसाब से ये इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो थर्ड लार्जेस्ट है एंड 14th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, मूल्य के मामले में ये सबसे 14वां सबसे बड़ा है। पीएलआई स्कीम विल इंसेंटिवाइज द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कंपनीज इन द वैल्यू प्रोडक्शन। तो ये जो पीएलआई स्कीम है इसके कारण क्या होगा, वैल्यू प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा, उसमें वहाँ पर उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो भारत जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है एंड इट इज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील। तो ये स्टील का शुद्ध निर्यातक है तैयार स्टील का। पीएलआई स्कीम विल हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टील इंडस्ट्री। तो स्टील इंडस्ट्रीज की जो भी मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा ये पीएलआई स्कीम। इसके अलावा ये जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वाइट गुड्स की, सोलर पीवी पैनल्स की या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, इनके भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगा। सो यहाँ पे जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वो है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, इसकी इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। देन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। फूड प्रोडक्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, तो क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वाइट गुड्स लाइक एसीज एंड एलईडीज, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, एंड स्पेशलिटी स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इट हैज आइडेंटिफाइड 5 की सेक्टर्स फॉर एनहेंसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, स्पेशलाइज्ड स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम सेक्टर्स आर पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल, स्पेशलाइज्ड स्टील, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम सेक्टर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का हिस्सा है। सो यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट कोड, 1 only, 2 only, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों सही होगा ऑप्शन बी? क्योंकि स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 10 की सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, 5 नहीं। नेक्स्ट इज,
जो सलीम अली हैं, जिनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी 12 नवंबर को पड़ती है। एंड इन ये काफ़ी फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट थे भारत के। ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विज्ञानी, ठीक है, जो पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया ड्यू टू हिज लव फॉर बर्ड्स एंड नेचर। तो उनको पक्षी मैन यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको पक्षी और प्रकृति से काफ़ी प्रेम था। He was the first Indian to conduct systematic bird surveys across India and has written many books on ornithology. तो पूरे भारत में व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने पक्षी विज्ञान पर बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे कि बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, पिक्टोरियल गाइड टू द बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हैंड बुक ऑफ बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये तीन बुक्स उनके द्वारा लिखी गई थी विच आर रिलेटेड टू बर्ड्स। He received Padma Bhushan in the category of civilian award in science and engineering in 1958. तो 1958 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1976 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो उनको पद्म भूषण भी मिल चुका है एंड पद्म विभूषण भी मिल चुका है। He has also been awarded the gold medal of British Ornithologist Union in 1967. और ऐसा अवार्ड पाने वाले वो पहले नॉन ब्रिटिश सिटीजन थे, ठीक है, गैर ब्रिटिश नागरिक थे जिनको ये अवार्ड मिला था। ही इज़ फेमस फॉर हिज रोल इन एस्टैब्लिशिंग भरतपुर बर्ड सेंचुरी। तो उनको भरतपुर पक्षी अभयारण्य स्थापित करने में उनके रोल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसके डिस्ट्रक्शन को रोकने में भी अपना योगदान दिया था। सो क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली सलीम अली बर्थ एनिवर्सरी हैज बीन सेलिब्रेटेड, ही वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। हाल ही में सलीम अली की जयंती मनाई गई, वह किस पेशे से संबंधित थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कि वो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी विज्ञानी थे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी has approved draft banking regulations for banking operations at IFSC. तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने IFSC पर बैंकिंग कार्यों के लिए मसौदा बैंकिंग नियमों को मंजूरी दी है। This will lay down the rules for the banking operations permissible at the IFSC. तो IFSC पे कौन कौन से बैंकिंग ऑपरेशंस अलाउड होंगे उस पर यहाँ पर रूल दिए गए हैं। The draft regulations will enable the authority to decide on other permissible activities. तो यहाँ पर जो भी ये regulations हैं, draft regulations, मसौदा विनियमन प्राधिकरण को ये अन्य अनुमेय गतिविधियों जैसे कि क्रेडिट एनहेंसमेंट, ठीक, क्रेडिट में वृद्धि, क्रेडिट बीमा, सेल एंड परचेज ऑफ पोर्टफोलियोज, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर निर्णय लिए जाएंगे। It will allow opening of a foreign currency account by the persons residing outside India. तो यहाँ पर foreign currency account भी खोला जा सकता है उन लोगों के द्वारा जो भारत से बाहर रहते हैं। It will also create a framework to regulate the business conducted by IFSC banking units in INR, यानी कि Indian rupee, with the Indian residents and person residing outside India. तो IFSC banking इकाइयों द्वारा INR में भारतीय निवासियों और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के साथ किए गए व्यवसाय को विनियमित करने के लिए भी एक रूपरेखा तैयार करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की हम बात करें तो ये बनाया गया था ताकि जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में, यानी कि IFSCs में जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज वित्तीय सेवा जो प्रदान की जाती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई जिसको IFSCA बोला गया। इसके हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है और भारत का जो पहला IFSC सेंटर था वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, गिफ्ट सिटी गुजरात में, जो कि फुल फॉर्म है उसकी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी विच इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद। IFSC केटर्स द कस्टमर्स आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो IFSC घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को पूरा करता है। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड ड्राफ्ट बैंकिंग रेगुलेशंस फॉर बैंकिंग ऑपरेशंस एट IFSCs? निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने IFSC में बैंकिंग परिचालन के लिए मसौदा बैंकिंग नियमों को मंजूरी दी है? RBI, SEBI, NABARD एंड IFSCA। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी, दैट इज IFSCA।
नेक्स्ट इज अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री इज प्रोवाइडिंग 50% एयर ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल। तो आपको याद होगा कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जब अनाउंस की गई थी तो ये टॉप के लिए थी, यानी कि टोमेटो अनियन और पोटैटो के लिए थी, लेकिन हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसमें सारे ही जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको इंक्लूड कर लिया गया। तो इसका अब ऑपरेशन ग्रीन टॉप से टोटल हो गया है, ठीक है, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस स्कीम के अंतर्गत कवर्ड हैं। अब यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, उसने जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो ट्रांसपोर्ट होंगे वाया एयर, तो एयर ट्रांसपोर्टेशन पे यहाँ पे उनको 50% सब्सिडी प्रदान कर रहा है। 50% सब्सिडी इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन फॉर 41 नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स टू एनीवेयर इन इंडिया। तो पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के लिए भारत में कहीं भी हवाई परिवहन के लिए 50% सब्सिडी यहाँ पर लागू होगी। अंडर द स्कीम एयरलाइंस विल चार्ज सप्लायर कंसाइनी और एजेंट ओनली 50% ऑफ द फ्री चार्जेस। तो यहाँ पर सिर्फ 50% जो है यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा, क्योंकि 50% मिनिस्ट्री पे करेगी। ऑल द एयरपोर्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आर एलिजिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र की बात करें तो जो एयरपोर्ट्स हैं अरुणाचल में, असम, तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इन सभी में जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी एलिजिबल होगी, एप्लीकेबल होगी। उसी तरह से हिली स्टेट्स जो हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे भी एलिजिबल होगा। गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम फॉर किसान रेल स्कीम फ्रॉम 12 अक्टूबर 2020। तो किसान रेल स्कीम के अंतर्गत भी जो ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी है वो एक्सटेंड कर दी गई थी। सो अभी जो रेलवे है वो सब्सिडी जो इम्प्लीमेंट करता है वो भी 50% करता है नोटिफाइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, 50% फ्री चार्जेस यहाँ पर देने होते हैं। सो क्वेश्चन आपके लिए, हाउ मच एयर ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री अंडर ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टॉप टू टोटल। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स योजना टॉप से टोटल के तहत कितनी हवाई परिवहन सब्सिडी प्रदान की जा रही है? 10%, 30%, 50% एंड 67%। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 50%। नेक्स्ट इज बहरीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, उनका हाल ही में निधन हो गया है एंड वो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, दुनिया के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और बहरीन के भी वो सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जैसे ही बहरीन का इंडिपेंडेंस हुआ था 1971 में, तभी उन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम किया था एंड तभी से वो प्राइम मिनिस्टर थे। एंड बहरीन की सरकार ने पूरा एक हफ्ते का मौन, जो शोक है, आधिकारिक शोक है, उसकी घोषणा की है। प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा विल बी सक्सीडेड बाय बहरीन्स क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो इनके बड़े बेटे जो हैं वो अब उनको सक्सीड करेंगे। सो ये जो अभी पास हुए हैं बहरीन के पीएम प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा एंड ये नए प्राइम मिनिस्टर होंगे बहरीन्स के, क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद बिन ईसा अल खलीफा। बहरीन की हम बात करें तो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड एक कंट्री है, एशिया का ये थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन है, इसकी कैपिटल मनामा है और करेंसी बहरीनी दिनार है। एंड आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? बहरीन, कतर, यूएई एंड कुवैत। सो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, यानी कि बहरीन। नेक्स्ट इज सरहद विस्तार विकास उत्सव 2020, ये जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया इन द ढोरदो विलेज इन गुजरात। और ये जो सरहद विस्तार विकास उत्सव 2020 है ये पहली तरह का अपना कार्यक्रम है
और इसको बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शनरीज हैं उनको होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल्स प्रदान किए गए। सरहद विस्तार विकासोत्सव का जो उद्देश्य है वो दूरस्थ और सीमावर्ती गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क संपर्क संबंधी समस्याओं से निपटना है। तो क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, ज़्यादातर अगर आपने बॉर्डर एरियाज विजिट किए होंगे तो वहाँ पर डेवलपमेंट का इशू रहता है, तो उस डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए, रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटी देने के लिए रिमोट और बॉर्डर विलेजेस में, इसलिए ये सरहद विस्तार विकास उत्सव मनाया जा रहा है। मोर देन 1500 सरपंच एंड ग्राम पंचायत मेंबर्स फ्रॉम 150 बॉर्डर विलेजेस दीज पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट और द डिस्ट्रिक्ट्स आर कच्छ, बनासकांठा एंड पटन डिस्ट्रिक्ट। दोर्दो विलेज इज सिचुएटेड इन द फॉरवर्ड बॉर्डर एरिया इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो दोर्दो जो गांव है ये गुजरात के कच्छ जिले में आगे की सीमा क्षेत्र में स्थित है। सो क्वेश्चन आपके लिए, वेयर विल होम मिनिस्टर इनॉग्रेट सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 ऑन 12 नवंबर? 12 नवंबर को गृहमंत्री अमित शाह सरहद विस्तार विकासोत्सव 2020 का उद्घाटन उन्होंने कहाँ पर किया है? वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट इज, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी कॉन्फिसिकेटेड कॉइन्स, जो प्राचीन और मध्यकाल के जो जब्त किए गए सिक्के थे और इसके साथ साथ जो एंटीक्स थे, जो पुरावशेष थे, उनको कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल को सौंपा है। उन्होंने 40,282 कॉन्फिसकेटेड कॉइन्स प्रदान किए, साथ ही 18 एंटीक्स प्रदान किए। जो कॉइन थे वो अलग अलग ड्यूरेशन से थे, जैसे सल्तनेट और मुगल एरा के थे फ्रॉम 1206 टू 1720 एडी, एंड इसके अलावा कुशान, यौदिया, गुप्ता, प्रतिहार, चोला, राजपूत, मुगल्स, मराठा, कश्मीर, वहाँ से के जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ से भी कॉइन्स थे। इसके अलावा ब्रिटिश, इंडिया, फ्रेंच और कुछ ऑस्ट्रेलियन कॉइन्स भी दिए गए जो कि 1800 टू 1900 एडी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो एंटीक्स दी गई थी, जो पर्सन थे जिनके पास अथॉरिटी थी, दो जो रूल रॉयल ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते थे, सो उनके द्वारा पहने गए जो एंटीक्स थे वो प्रदान किए गए। इसके अलावा जो कमरबंद है सिल्वर का, जो एफ्लुएंट, जो संपन्न परिवार की जो महिलाएं होती थी उनके द्वारा जो पहना जाता था, ठीक है, कमरबंद, वो सब भी हैंडओवर किया गया। अगर हम बात करें कॉइन्स इन इंडियन इंडस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री की, तो सबसे पहले जो कॉइन्स इशू किए गए थे एंशिएंट इंडिया में वो सबसे पहले कौन से थे? पंचमार्क्ड कॉइन्स थे। दीज वर इशूड बिटवीन 7th to 6th century BC एंड 1st century AD और ये सिल्वर और कॉपर के ज़्यादातर बने हुए थे। 2nd century के आसपास इंडो ग्रीक्स ने पहली बार ऐसे कॉइन्स इशू किए थे जिसमें रूलर की इमेज थी और उनका नाम भी लिखा होता था। देन 1st century CE में कुशांस जो थे उन्होंने पहली बार गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कुशांस। फिर जो योद्धास थे पंजाब और हरियाणा के, उन्होंने भी कॉइन्स इशू किए थे अराउंड 1st century CE। उसके बाद गुप्ता रूलर्स ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन इशू किए थे और उन्होंने बाकी भी कॉइन इशू किए थे जैसे सिल्वर के किए थे, इसके अलावा उन्होंने कॉपर और बाकी एलिमेंट्स के भी किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स थे। एंड उनके गोल्ड कॉइन्स में ये देखा गया था कि एक साइड में गॉडेस या होती थी, या फिर दूसरे साइड में अगर हम देखें तो किसी जैसे समुद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त प्लेइंग अ वीणा या फिर चंद्रगुप्त, इन सब की वहाँ पर फोटोज होती थी। देन पोस्ट गुप्ता में कोई भी जो गोल्ड कॉइन है वो नहीं मिला है। फिर उसके बाद मिडाइवल की हम बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री की, तो इल्तुतमिश ने कॉपर तिनका और सिल्वर जित्तल स्टार्ट किए थे। फिर खिलजी ने जो कॉइन्स इशू किए थे विद ग्रैंड टाइटल्स, वो उन्होंने इशू किए थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने इशू किए थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, उस समय में। देन इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे वो गोल्ड कॉइन्स थे, सबसे ज़्यादा किए थे इन्होंने अपने टाइम में। उसके अलावा
लोदीज के टाइम में कॉपर और बिलन के भी कॉइन्स थे. देन मुगल्स ने फिर फाइनली कॉइन सिस्टम को कंसोलिडेट किया. उन्होंने त्रिधातुवाद जो है सिस्टम स्टार्ट किया, ट्राइमेटलिज्म, यानी कि तीन धातु को इस्तेमाल करके कॉइन को बनाया गया. देन उसके बाद शेरशाह सूरी ने सिल्वर कॉइन इशू किया था जिसको रुपया कहा गया. एंड इसके अलावा मोहर जो कि गोल्ड कॉइन्स और डैम यानी कि कॉपर कॉइन्स ये भी इशू किए गए थे विद सिल्वर रुपया. सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन्स कॉल्ड रुपया. निम्नलिखित में से किसने रुपया कहे जाने वाले चांदी के सिक्के की शुरुआत की? अकबर, हुमायूं, फारूक सियार एंड शेरशाह सूरी. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज शेरशाह सूरी. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं एंड उस रिलेटेड क्वेश्चन सभी कवर कर लिए हैं. आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए. और एक बार फिर से आप सबको हैप्पी दिवाली. थैंक यू सो मच.